अभी परसों रामनवमी की तिथि थी, 25 करोड़ की आबादी यूपी में रहती है, 800 स्थानों पर रामनवमी के शोभा यात्रा थी, जुलूस भी थे, और साथ साथ इस समय रमजान का महीना चल रहा है, भोज अवतार के भी कार्यक्रम रहे हैं। कहीं भी कोई टूटू मैंने नहीं हुई, दंगे फसाद की बात तो दूर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जब से उत्तर प्रदेश की सत्ता संभाली है, उत्तर प्रदेश में ना तो कहीं दंगे हो रहे हैं और ना ही कहीं फसाद हो रहे हैं। रामनवमी पर देश के कई हिस्से में जिस तरीके से दंगे और फसाद हुए, उसको लेकर अमित शाह ने योगी आदित्यनाथ के लिए एक बड़ी बात कही। तो आइए सुनते हैं अमित शाह के वो शब्द जिन्हें सुनकर आपको भी भरोसा हो जाएगा कि वाकई उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे भारत के अंदर भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री और शासन की जरूरत है। जब योगी जी को मुख्यमंत्री बनाया, किसी को कल्पना नहीं थी कि योगी जी मुख्यमंत्री बने, और ढेर सारे लोगों के फोन आए थे कि योगी जी ने कभी म्युनिसिपैलिटी भी नहीं चलाई, वास्तविकता नहीं चलाई, योगी जी कभी कोई सरकार में मंत्री नहीं रहे, योगी जी सन्यासी मिठाधीश, और इतने बड़े प्रदेश का आप मुख्यमंत्री बना रहे हो, इतना बड़ा प्रशासनिक काम उनको दे रहे हो जिनके पास प्रशासनिक अनुभव शून्य के बरूबर, तब हमारे नेता नरेंद्र भाई और अपने पार्टी का अध्यक्ष था, हमारा एम एक ही था जिसके अंदर निष्ठा है और परिश्रम करने की क्षमता है, वो बाकी सभी परिस्थितियों को अपने अनुकूल और यही दो मानकों के आधार पर उत्तर प्रदेश का भविष्य भारतीय जनता पार्टी ने योगी आदित्यनाथ के हाथ में सौंपा था। और मैं आज बड़े संतोष के साथ कह सकता हूं वो निर्णय जो भारतीय जनता पार्टी ने किया था वो उचित ही था और योगी जी ने उसको उचित ठहरा। उत्तर प्रदेश के अंदर ढेर सारे परिवर्तन योगी जी के नेतृत्व के अंदर हुए। उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे बड़ी जरूरियात थी लोगों के अंदर विश्वास जगा। 22 करोड़ की जनसंख्या वाला है प्रदेश, अगर हर व्यक्ति उत्तर प्रदेश के विकास के साथ नहीं जुड़ता है तो उसकी क्षमताओं का उपयोग उत्तर प्रदेश के विकास के लिए, देश के विकास के लिए नहीं हो सकता, और इसलिए उसके अंदर आत्मविश्वास जगाना की। तो वीडियो पसंद आता है लाइक करिए, शेयर करिए और हाँ चैनल सब्सक्राइब करिए। मिशन 2024 आपको ऐसे वीडियोस दिखाता रहेगा।